हेलो फ्रेंड, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए गाइस, आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जुपी ऐप में, जुपी लूडो ऐप है, उसमें आप केवाईसी कैसे वेरीफाई करेंगे। तो गाइस, इसमें आपका क्या-क्या प्रूफ मांगता है वो सब आपको हम बताएंगे। तो गाइस, इसमें आपका तीन प्रूफ मांगता है, इसमें से कोई भी एक रहेगा तो आपका आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या वो नहीं है तो नेक्स्ट आपका होना चाहिए पैन कार्ड, और वो भी नहीं है तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर यह सब आपके पास नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, आपके घर में किसी के भी पास होगा तो आप केवाईसी वेरीफाई कर सकते हैं। तो गाइस, आपको हम लेकर चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पर और आपको बताते हैं स्टेप बाई स्टेप आप कैसे करेंगे। तो गाइस, हाँ, अपने फोन स्क्रीन पर आ चुके हैं। आने के बाद देख सकते हैं गाइस, मेरे फ़ोन में लूडो जुपी ऐप शो हो जाएगा यहाँ पे, जिसको हम लोग ओपन करते हैं। तो ओपन करने के बाद गाइस, कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तब तक आप वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे गाइस। इससे आपका भाई मोटिवेट होता है, आपके लिए ढेर सारा वीडियो लेकर आएगा जुपी लूडो के ऊपर। तो गाइस, मेरे पास देख सकते हैं जुपी लूडो ओपन होकर आ रहा है, तब तक हम वेट कर लेते हैं गाइस। फाइनली गाइस, मेरे पास लूडो जुपी ऐप ओपन होकर आ चुका है। तो आप गाइस नीचे में देख सकते हैं होम, रेफर एंड अर्न, और उसके बगल में आपका प्रोफाइल का ऑप्शन शो होगा। तो गाइस, आप अपने प्रोफाइल वाले पे जाकर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं गाइस, कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड है, वॉलेट का नीचे शो हो जाएगा कंप्लीट योर केवाईसी। तो गाइस, इस पर आप जाकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद कुछ आपके पास ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, जो लिखा हुआ शो हो जाएगा कंप्लीट योर केवाईसी। उसके बाद आपका यहाँ पर तीन ऑप्शन शो हो जाएगा, जो आपको हम वीडियो को स्टार्ट में बता चुके थे। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। या तीनों में से कोई आपके पास एक है तो आपका आईडी वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस, हम बताते हैं पैन कार्ड होगा तो आपको उसमें क्या क्या चाहिए। तो गाइस, आपके पास पैन कार्ड है तो उसमें पैन कार्ड जिनका है उनका 10 डिजिट का नंबर दिया रहता है, पैन कार्ड नंबर, उसको आप डाल देंगे। उनका नाम डाल देंगे, फिर से उनका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। डालने के बाद गाइस, एक फ़ोटो ले लेंगे उस पैन कार्ड का, जो 5 MB से कम नहीं रहना चाहिए, लेस देन 5 MB, कम से कम 5 MB का रहना चाहिए। उसको आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सबमिट पर जाकर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपका पैन कार्ड ये सबमिट हो जाएगा। तो गाइस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसमें क्या क्या मांगता है गाइस। तो ड्राइविंग लाइसेंस में है तो DL नंबर मांगता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर है उसको आप डाल देंगे। तो उसमें जो फुल नेम, जो ड्राइवर का फुल नेम है उसको आप डाल देंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, सेम जैसे आप डाले थे गाइस उसमें, जो पैन कार्ड में वैसे ही इसको डाल देंगे। इसमें भी आप उसका फ़ोटो ले लेंगे एक ठो, उसको यहाँ पर जाकर अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर लिखा होगा अपलोड फ्रंट साइड, उस वाला फ़ोटो को लेकर आप अपलोड कर सकते हैं गाइस। अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप सब सबमिट पर जाकर आप क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सबमिट हो जाएगा। तो थर्ड है आपका गाइस वोटर आईडी कार्ड, इसको भी बता देते हैं गाइस इसमें क्या क्या मांगता है। तो वोटर आईडी कार्ड में जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर है वो मांगता है, जो वोटर आईडी कार्ड का जो कैंडिडेट का नाम होगा उसको डाल देंगे। उसके बाद गाइस, जिसका वोटर आईडी कार्ड उसका डेट ऑफ बर्थ दिया होगा उसी में उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसका भी एक फ़ोटो ले लेंगे, फ्रंट का फ़ोटो ले लेंगे, और जो 5 MB का होगा उसको आप लोग अपलोड कर देंगे। तो गाइस, अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप जाकर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका ऑलरेडी वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपका KYC वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइस, आपको यही बेनिफिट है, आपको रुपया विड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कर बता सकते हैं, इस पर हम प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं कोई और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।